हेलो फ्रेंड्स, आपका एटेटिक होम क्रिएशन चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बेबी ब्लैंकेट या फिर टेबल मैट या जैकेट, बेबी जैकेट के लिए जो एनिमल बताने जा रही हूँ वह यह है। इसे मैं बताऊँगी। इसके पहले मैंने और भी एक दो एनिमल्स बना के बताए हैं, आज मैं इसे बताने जा रही हूँ। तो आइए, इसे कैसे बनाया गया है उसे मैं बताऊँ। इसे बनाने के लिए सबसे पहले यह बीच का फेस बनाना है जो राउंड में बनेगा, और उसके बाद आउटर जो है उसे स्क्वायर में बनाना है। सबसे पहले मैं फेस बनाऊंगी। फेस बनाने के लिए रेड कलर का वूल का इस्तेमाल करना है। ऐसे आप अपने पसंद के भी कलर को बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक चैन, एक दो तीन चार, चार चैन लेने हैं। फिर इस पर डबल क्रोशिया बनाना है, डबल क्रोशिया इस चैन पे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, टोटल इसमें डबल क्रोशिया बारह है। अब यहाँ हमें स्लिप करने हैं। स्लिप करने के लिए ये इस पोर्शन पे लाना है और इस तरह से इसे स्लिप करना है। एक राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है, एक दो तीन। सेकंड राउंड के लिए फिर जिस पे स्लिप हुआ है उसी के अंदर से डबल क्रोशिया बनाना है। एक, उसके ठीक बगल वाले चैन पे डबल डबल क्रोशिया, डबल डबल क्रोशिया। नेक्स्ट डबल डबल क्रोशिया, यानी टोटल सेकंड राउंड डबल डबल क्रोशिया बनाने हैं। डबल डबल क्रोशिया ये टोटल 24 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब यहाँ पे हमें स्लिप करना है। स्लिप करने के लिए सेम पहले की तरह ही इस तरह से ये हमारा सेकंड राउंड कंप्लीट हो चुका है। थर्ड राउंड के लिए भी तीन चैन लेने हैं। फिर सेम चैन के ऊपर डबल क्रोशिया बनाना है, फिर उसके बगल वाले चैन पे डबल डबल क्रोशिया बनाने हैं, और फिर उसके बगल में सिंगल
यानी डबल सिंगल डबल सिंगल। अब यह थर्ड रो हमारा डबल सिंगल करते हुए अल्टरनेट बनाना है, डबल सिंगल डबल क्रोशिया डबल डबल क्रोशिया सिंगल डबल क्रोशिया डबल डबल क्रोशिया। इस तरह से थर्ड राउंड टोटल कंप्लीट करना है। इस तरह से यह थर्ड राउंड में टोटल हमारा डबल क्रोशिया 36 बनेगा। अब इस पर स्लिप करना है, स्लिप करने के लिए ठीक पहले की तरह इस तरह से। यह हमारा एनिमल का फेस तैयार है। ये हमारा फेस तैयार हो गया। अब इसके ऊपर ये स्क्वायर बनाना है। इसे बनाने के लिए इसका आउट जो है येलो कलर से बनाने हैं। इस तरह से चैन का एंड वाला दोनों एक साथ नहीं लेने हैं, सिंगल लेने हैं। एक दो तीन एक दो दो के बाद दो चैन, चैन के बाद फिर डबल डबल क्रोशिया इसी हॉल पे बनाने हैं इस तरह। नेक्स्ट एक चैन पे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ आठ डबल क्रोशिया, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक यहाँ है आठ, आठ के बाद फिर इस तरह से बनाने हैं, यानी एक ही होल पे डबल डबल क्रोशिया, दो चैन, डबल डबल क्रोशिया इस तरह, सिंगल डबल क्रोशिया इस तरह से, फिर आठ डबल क्रोशिया बनाने हैं, फिर ये बनाने हैं, फिर इस तरह से बनाने हैं। यानी कि यह हमारा फोर्थ
आएगा। एक राउंड कंप्लीट हो चुका है, ये इस तरह का शेप आएगा बनने के बाद। अब इसे यहाँ स्लिप करने हैं, ये दूसरे रूप पे इस तरह से स्लिप करना है। स्लिप करने के साथ एक दो तीन चैन लेने हैं और ठीक उसके बगल वाले पे एक, फिर ये हॉल पे दो डबल चैन, फिर डबल डबल क्रॉस या दो इस तरह का, फिर इसे छोड़कर इसके बगल में डबल क्रोशिया बनाना है। प्रत्येक चैन पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। सिंगल सिंगल बनाने हैं, सिंगल डबल क्रोशिया टोटल चैन पे बनाने हैं, चैन पे बनाने। फिर यहाँ पे फिर डबल डबल क्रोशिया दो चैन इस तरह का शेप बनाना है। इस तरह से सेकंड राउंड पूरे कंप्लीट करना है। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है सेकंड राउंड। अब यहाँ पे हमें स्लिप करने हैं, इस तरह से स्क्वायर हमारा तैयार है। इस धागे को अंदर की ओर कर लेना है और इसे कट कर देना है। ये हमारा स्क्वायर तैयार हो चुका है। अब इस पे ये ईयर बनाने हैं, फिर बाकी सारे पार्ट्स बनाने हैं। अब मैं इसके आउटर फेस पे ईयर बनाना बताऊंगी। ईयर कैसे बनाने हैं इसके ऊपर उसे मैं बताऊंगी। ईयर बनाने के लिए ये जैसे कि हमारा ये पोर्शन दिख रहा है, ये कॉर्नर का, कॉर्नर का पोर्शन से हमें ये एक दो तीन तीसरे भाग पे इस तरह से हमें निकालना है। ये जैसे कि ये सिंगल हो जा रहा है, इसे इस तरह ये फिर से हम देख सकते हैं, इसे इस तरह से। ये मैंने पहले से एक इसका चैन का मुंह बना रखा है, अब मैं इसे इस तरह से इसे निकालने हैं और इस पे एक चैन बनाना है। अब डबल क्रोशिया बनाना है कहाँ, एक चैन बाद, यानी कि इस हॉल पे, यह जो हॉल हमारा दिख रहा है इस हॉल पे, इस तरह यहाँ पर, यहाँ से हमें इसके बीच पे डबल क्रोशिया बनाना है। एक दो तीन
चार डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब इस पे एक चैन लेने हैं, फिर एक दो तीन चार, यहाँ हम देख सकते हैं यह इस तरह से बनाने हैं। और ठीक इसके बगल में ये यहाँ पर हमें स्लिप कर देना है इस तरह से। स्लिप होने के बाद यह इस तरह से तैयार हो जाएगा। अब यहाँ इसे कट कर देने हैं। कट करने के साथ इसे यह हमारा इस तरह से बन जाएगा। दूसरा ईयर हमें यहाँ पे बनाने हैं। एक ईयर कंप्लीट हो चुका है, दूसरा ईयर भी सेम उसी तरह बनाने हैं। जैसे यह सेंटर से हमारा यह पोर्शन सेंटर से इस पे ठीक उसी तरह बनाने हैं। यहाँ पे इसे स्लिप करने हैं, स्लिप के साथ यह मेरा बीच का पोर्शन है। इस पे हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं सेम पहले की तरह, एक दो तीन चार, एक चैन, एक दो तीन चार, चार बनाने के साथ फिर एक दो बगल के इस पे हमें स्लिप कर लेना है। तरह से दोनों ईयर तैयार है। इसे कट कर लेने हैं और पीछे तरफ धागे को पीछे कर लेना है फिनिशिंग देने के लिए। से आप सुई के सहारे भी की भी सहायता ले सकते हैं। ऐसे मैं इसे क्रोशिया से ही पीछे कर दे रही हूँ। ये देखिए हमारा ये एक पोर्शन तैयार हो गया है। अब इसका दूसरा पार्ट बनाने के लिए एक दो तीन चार चैन लेने हैं और फिर इसके एंड चैन पे डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक दो तीन
चार, पांच, छः, सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात, आठ, आठ डबल क्रोशिया बन चुका है। अब इस पे एक दो तीन चार, चार चैन लेने हैं। अब यहाँ इस चैन को लेने के साथ इसे इस तरह से पलटने हैं, इस तरह पलटते हुए अब इस पे एक दो, इस पोर्शन पे हमें एक दो तीन, एक दो, दो बार लपेटा, फिर एक दो तीन, एक दो, दो बार लपेटा, फिर एक दो तीन, एक चैन पे हमें इस तरह के तीन बनाना है। अगेन डबल क्रॉस या हमें दूसरे चैन पे बनाने हैं, एक दो, फिर डबल क्रोशिया, एक दो, फिर डबल क्रोशिया, एक दो, फिर डबल क्रोशिया भरने हैं, एक दो, फिर डबल क्रोशिया भरने हैं, एक दो, इस तरह से इस पे डबल क्रोशिया, इधर तीन ट्रिपल क्रोशिया, डबल 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 क्रोशिया करते हुए आना है। अभी यहाँ लास्ट यहाँ पे हमें एक और डबल क्रोशिया यहाँ भरने हैं, एक एक दो। अभी यहाँ टिप का एंड, ये चैन के बगल का एंड जो है, एंड पे हमें ट्रिपल क्रोशिया से चार बनाने हैं, एक दो तीन चार। अब यहाँ इस एंड पे डबल क्रोशिया को पूरे एक साथ में बना लेना, तीन ये को, यह हमारा इस तरह से दिखेगा, यह हमारा कंप्लीट हो चुका है, यह इस तरह से दिखेगा। यह हाफ किडनी शेप बनेगा हमारा। अब इसे मैं पलट लेती हूँ, पलटते हुए पीछे साइड पे आगे के धागे सबको ये हमारा एक पार्ट तैयार हो गया है। इसका यह माउथ पार्ट तैयार हो चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट कैसे बनाने हैं उसे बताती हूँ। अब मैं इसके
माउथ के यहाँ बीच का सर्कल बनाने जा रही हूँ। इसे बनाने के लिए ब्लैक वूल को से बनाने हैं, चैन हुआ, एक दो दो चैन लेने हैं और फर्स्ट चैन पे हमें एक इस तरह, फिर अगेन दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस। दस सिंगल क्रोशिया भरने के बाद इसे स्लिप कर लेने हैं। स्लिप करने के बाद इसे कट कर लेना है। ये उल्टे साइड पे धागा को पीछे कर लेना है। से पीछे करके इसे ताकि कट कर लेने हैं। ये हमारा तैयार हो गया। अब इसको मैं यह ईयर पर ब्लैक वूल से आउटलाइन बनाना है। ये आउटलाइन बनाने के लिए इसे इस तरह से एक चैन बना लेने हैं और ये पोर्शन पे इधर, यानी कि इसका ये जो चैन है, चैन बना हुआ जो सर्कल है ऐसे, तो इसे यहाँ से निकालने हैं। अब इस पे इस तरह से स्लिप करना है। प्रत्येक ईयर का बना हुआ ईयर का जो चैन पोर्शन है उस पे एक एक करके ब्लैक से इस तरह से स्लिप कर देना है। इस तरह दोनों ईयर पे हमें बना लेने हैं। यह इस तरह से अब यह जो है इसका एंड पोर्शन पे भी सेम उसी तरह करना है। ये इस तरह का एंड पोर्शन पे, अब अंदर से ये इस पोर्शन का यहाँ, ये पोर्शन पर यहाँ, यहाँ से इसे इस तरह अंदर ले आने हैं। अंदर लाने के साथ में इसे भी कट कर लेने हैं। कट करने के बाद ये इस तरह से
ये हमारा ईयर का आउटलाइन हो गया है। ठीक उसी तरह इस पर भी कर लेना है। इसे यह बीच पोर्शन पे रखकर इसे चारों तरफ सिल लेना है। इसे मैं सिल लेती हूँ फिर आगे बताती हूँ। ये हमारा सिल के कंप्लीट हो चुका है। अब इस पर आइस बनाना बताऊँगी। आइस बनाने के लिए ये पोर्शन ब्लैक वूल लगाने हैं और ये पोर्शन इस पोर्शन से हमें भीतर साइड से पहले तो थोड़ी दूरी पर हमें धागे निकालने हैं इस तरह से। अब ये पोर्शन पे ठीक है यहाँ पे निकालने हैं भीतर से पीछे साइड से ही हमें निकालने हैं सेंटर पे। और ठीक इसके सीधे पे इस तरह से अंदर की ओर डालना है। अंदर की ओर डालकर धागे को धीरे धीरे खींचना है प्लेन करते हुए। अगेन फिर उसी सेंटर पे निकालना है। ठीक यहाँ से निकाला गया था सुई ठीक उसी के पास से निकालना है। इस तरह से दो राउंड हमें बनाने हैं। ठीक उसके बगल से फिर हमें अंदर की ओर डालना है या इस तरह से हमारा एक आई तैयार हो चुका है। पीछे साइड से इसे बाइंड कर देने हैं। इस तरह से बाइंड करके इसे कट कर देने हैं। यह हमारा एक आइस तैयार हो चुका है। ठीक दूसरे आइस के लिए इसके ठीक सामने यहाँ यानी कि ये पोर्शन तो अंदर से निकालने हैं। अंदर से निकालने से पहले थोड़ी देर कहीं थोड़ा दूर पे हमें ये फंसा देना है। इस तरह से फंसाने के बाद अब ये इस पोर्शन पे इसके ठीक सामने वाले भाग पे थोड़ा सा इस तरह धीरे धीरे निकालना है। धीरे धीरे निकालने के साथ ठीक यहाँ यानी कि इस तरह से भी हम आइडिया ले सकते हैं और इसे अंदर की ओर एक राउंड हुआ। अगेन फिर रिपीट करना है सेम जगह से इस तरह। और फिर उसके जस्ट बगल सेट करते हुए ताकि बराबर हो ये इस तरह से सेट कर लेना है। पीछे साइड से हमें इस तरह कट कर लेना है। बाकी भी जो बचे धागे सब हैं उसे भी कट करके फिनिशिंग टच दे देना है।
इस तरह से हमारा एक एनिमल तैयार हो चुका है। इस तरह हम एक तरह के एनिमल कई बना करके हम इसके टेबलमेट भी बना सकते हैं या फिर ब्लैंकेट, बेबी ब्लैंकेट भी बना सकते हैं। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।